बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ कक्षा 5 हिंदी के 9वें अध्याय के साथ, एक माँ की बेबसी। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जो आपने फर्स्ट या सेकेंड में कविताएं पढ़ी हैं, अभी उनको पढ़ते हो तो बहुत ही आनंद आता होगा। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। ठीक है बच्चों, आइए कविता पढ़ना शुरू करें। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। तो देखिए बच्चों, अदृश्य समझते हो आप, जो कि दिखाई नहीं देता। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो दिखाई नहीं देता, ऐसे पड़ोस से निकलकर वो हमारे साथ खेलने आता था। रतन एक ऐसा बच्चा जो बोल नहीं सकता था, एक टूटे हुए खिलौने की तरह वह हमारे साथ खेलता था और एक बच्चा ही था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, क्योंकि वो हमसे थोड़ा अलग था, इसलिए हमें वो अजीब लगता था। थोड़ा घबराते थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उससे घबराते रहते थे क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाता था, तो हम समझ ही नहीं पाते थे कि वो क्या कह रहा है। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। जितनी देर वह रहता पास बैठी, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। कि जब तक वो हमारे साथ खेलता रहता था, उसकी माँ बैठकर उसका खेल देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इसमें अब वो कह रहा है कि अब जब मुझे बड़ा होकर मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि जो बोल नहीं सकते उनकी भाषा कैसे होती है, या वो किस तरीके से बोलते हैं, अपनी बात समझाते हैं, तो मुझे रतन से भी ज्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी याद आती है। ये कविता कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है। देखो बच्चों, इसमें एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, उसके बारे में बताया गया है कि हमें जो भी अगर किसी भी तरह से असहाय है, हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। ये है कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। और दूसरा, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? बच्चों, आप बताइए कि क्यों वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना सा लगता था? अब प्रश्न दो है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के, डर के, या फिर जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? ये डर के रूप में, आंखों की छटपटाहट डर के रूप में उसकी आंखों में होती थी। अगला क्वेश्चन है, तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहां महसूस होती हैं? पहली है छटपटाहट,
अधीरता में। कहीं जाने की जल्दी हो जाना संभव न हो, स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, या फिर इच्छा किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सके, जिसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो, या फिर संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है आप पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। तो आप बताइए बच्चे, इनमें से इस बच्चे पर कौन सा संदर्भ लागू होता है? छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा पाते। ऊपर छटपटाहट के तीन अर्थ के संदर्भ दिए गए हैं, इनमें संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बात अपने बच्चों या अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे उसके इशारे को नहीं समझ पाते। इस पर वह छटपटाहट महसूस करता है। अब है घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हों या अकेले हों, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो हम घबराहट महसूस करते हैं। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता होगा? लोग उसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने ना लगे, इस प्रकार से वो घबराहट महसूस कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? क्या बता सकते हो बच्चे कि रतन क्या सोचकर घबराता होगा? रतन भी इन्हीं वजह से घबराता होगा कि कहीं कोई अकेला पाकर उसे पकड़ ना ले, कहीं कोई अंधेरे से बिल्ली ना आ जाए, कहीं वह पहाड़ पर से गिर ना जाए, कहीं अचानक नदी में बाढ़ ना आ जाए और वो उसे डुबा ना ले। इस तरीके से इन बातों से वह घबराता होगा। भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को छोटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता है जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार आप इनमें खाली स्थान भरो। खिलौना है जैसे गाड़ी, टूटने का कारण पहिया निकल जाने पर या सीटी निकल जाने पर या उसके हवा निकल जाने पर, चाबी निकल जाने पर, और नतीजा क्या होता है कि वह चल नहीं पाती, बज नहीं पाती, उछल नहीं पाती और हंसा नहीं पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबस शब्द बे और वस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ होता है बिना। नीचे दिए गए शब्दों में बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकोगे, जैसे बेजान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब, बेघर, बेतार, बेशरम, तो इस तरीके से हम इतने शब्द जोड़ पाएंगे। अब देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। माँ की आंखों में छलकती उसकी, इसमें जो कविता में देखने से संबंधित शब्द आए हैं वो शब्द भी छांट कर लिखिए। इसका उत्तर है आदृश्य, देखने में, नेक्स्ट इशारे, निहारती, आंखों में या छलकती, ये सब देखने से संबंधित है। अब है प्रश्न 2, माँ की आंखों में छलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे दिए कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? सहमी हुई नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, उनींदी आंखें, शरारती, डरावनी, इनमें से आप कौन कौन सी पहचानते हो? प्यार भरी, क्रोध भरी, शरारती और डरावनी, इन आंखों को बच्चे पहचानते होंगे।
तीसरा है नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? आंख दिखाना, बच्चा जब जिद पर अड़ गया तो माँ ने आंख दिखाई। नजर चुराना, झूठ बोलकर वह निकल तो गया लेकिन उसके बाद उसने मुझसे नजर चुरा ली, अब है आंख का तारा। रतन अपनी माँ की आंखों का तारा था। नजरे फेर लेना, मतलब पूरा होते ही उसने नजरे फेर ली, आंख पर पर्दा पड़ना। सिन्हा को अपने बेटे की गलती पर गलती नजर नहीं आती, उसकी आंखों पर तो प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है। माँ याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो इससे संबंधित प्रश्न है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? अपने बेटे को बोल न सकने की बेबसी। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए तुम नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती ना करूं। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और सच्चा इंसान बनूं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की आयु लंबी और स्वस्थ जीवन हो। तो बच्चों इस प्रकार से ये अध्याय भी कंप्लीट हुआ। आशा है आपको समझ आया होगा। हम फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।